वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट एम राहुल तो मैं लेकर आया हूँ आज न्यू टॉपिक है ये बैंकिंग का और लाइफ इंश्योरेंस पे भी आता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज रहती है तो ये क्या रहता है फाइव मार्क्स का रहता है प्री में भी मेंस में भी रहता है तो हमें ये क्या करना है बढ़िया तरीके से पढ़ना है तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो ये रहता क्या है ये रहता है आपका अल्फ़ावेट सिम्बल नंबर इन तीनों का क्या रहता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है ये ठीक है इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है तो हमें क्वेश्चन इसका सॉल्व करना होता है कॉम्बिनेशन के थ्रू ठीक है तो देखो अब हमें इसमें पढ़ना क्या है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं देखो नंबर वन है वोवल्स वोवल्स रहते हैं यहां पे कौन-कौन से रहते हैं सभी को पता होगा ए ई आई ओ यू पांच रहते हैं कितने फाइव फाइव वोवल्स होते हैं ठीक है नंबर 2 क्या बोल रहा है कॉन्सोनेंट देखो ये कॉन्सोनेंट वोवल्स आपके पांच हो गए ठीक है कॉन्सोनेंट्स आपके कौन-कौन से होंगे इनको छोड़ के इन लेटर्स को छोड़ के बाकी जो लेटर्स हमारे बचते हैं मतलब ठीक है वर्ण तो मैं ऑल लेटर्स एक्सेप्ट वोवल ठीक है वोवल्स को छोड़ के जितने और लेटर्स कोई भी बचेगा ना हमारा जी हो गया जी हो गया वो सब क्या आ जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट्स के अंदर आते हैं तो, तो ये टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि वोवल्स कौन से वो अल्फाबेट्स रहते हैं और कॉन्सोनेंट्स वाले कौन से रहते हैं नंबर थ्री बोल रहे नंबर्स देखो नंबर्स में क्या आ सकता है आपका नंबर्स को कोई भी आता है वन टू थ्री फोर फाइव एज इट इज जितने आ गए ठीक है वो सब आ जाएंगे आपके नंबर्स में नंबर फोर्थ क्या है सिंबल्स uh, आ जाते हैं तो सिंबल्स में आपके क्या क्या आ सकते हैं देखो हैश uh, हो गया ठीक है डॉलर हो गया कॉमा हो गया और कौन सा आ सकता है ये साइन आ सकता है क्वेश्चन मार्क हो गया इज इक्वल टू हो गया स्टार हो गया बहुत सारे मतलब सिंबल्स होते हैं जो सिंबल्स का ऐसे ही पता चल जाता है सिम्बल्स से अलग दिखते हैं तो वो कोई भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कि है, सिंबल्स हैं अच्छा अब कुछ टर्म्स मुझे आपसे शेयर करनी है ट्विस्टेड टर्म्स बोल सकते हैं तो तो कुछ क्या रहती है ट्विस्टेड टर्म रहती है मतलब अगर आपको उनको पता नहीं होगा ना तो आपको समझ नहीं पाओगे कि बोल क्या रहे हैं ठीक है तो पहले वो हमें याद होनी चाहिए तो पहला बोल रहा है मुझे ए ए प्रोसीड्स बी ठीक है अब इसका मतलब क्या होगा ए प्रसिड्स बी का मतलब क्या रहता है आपका प्रसिड्स का मतलब होता है पीछे याद रखना ये वर्ड जो है precedes, मतलब पीछे ठीक है तो ए क्या रहेगा बी के पीछे रहेगा तो इसको आप याद कैसे करोगे ऐसे ठीक है ए प्रसिड्स बी का मतलब क्या होता है प्रसिड्स होता है पीछे तो ए जो है वो क्या रहेगा पीछे रहेगा पी तो के नंबर टू क्या बोल रहे बी बी ए पहले मैंने बोला ए प्रोसीड बी मतलब ए बी के पीछे बी ए मतलब बी जो है वो ए के पीछे रहेगा तो बी आपका पहले आएगा और ए बाद में आएगा ठीक है देखो ए बी का तो देखो एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है एग्जाम में हमें क्वेश्चन आता है कि होगा हाउ मेनी इन द सीरीज आर इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड फॉलोड फॉलोडल तो आपको प्रोसीडिड और फॉलोड का मतलब पता होगा तभी आप वो कर पाओगे तो आपका ऐसा आंसर नहीं निकलेगा तो ए प्रोसीड बी का मतलब क्या होता है प्रोसीड होता है पीछा पीछे वाला तो ए जो है बी के पीछे है, और बी प्रोसी है मतलब बी ए के पीछे है तो ये वाला मैंने बना दिया एक एग्जाम्पल लिया है ठीक है नंबर थर्ड क्या है नंबर थर्ड बोल रहा है okay, ये चेक करो नंबर थर्ड के बोल रहे बी ठीक है प्रोसीडर्स वाला पता लगे ना पीछे वाला होता है फॉलोज क्या होता है आगे वाला तो ए फॉलोज बी मतलब ए क्या कर रहा है बी को आगे है 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 ठीक ए जो बी के आगे है ए बी मतलब बी को फॉलो कर रहा है ना तो बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा इन, इनका मतलब यही ना देखो ए फॉलोज बी मतलब ए जो है वो बी को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है मतलब बी के बाद आ रहा है ठीक है यही मतलब होगा इसका अब बी फॉलोज ए का मतलब क्या होगा मतलब पहले आपका ए आएगा और के आएगा ठीक तो मतलब है पीछे फॉलोज रहता है आगे, आगे. बस ये वर्ड्स याद रखना अकेला प्रिसीड्स लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे अकेला फॉलोज लिखा है ठीक है फॉलोज लिखा है तो प्रिस का मतलब होता है पीछे तो पहली वाली जो टर्म होगी वो पीछे आएगी ठीक है प्रिसीड्स में और फॉलोज में क्या होगा ए फॉलोज बी लिखा होगा तो ए फॉलोज में क्या होगा ए जो पहले वाली टर्म होगी वो बाद में आएगी ठीक है यहाँ पे भी जैसे बी फॉलो लिखे है तो बी वाली बाद में आएगी और ए जो आएगी वो पहले आएगी ठीक है तो नंबर फिफ्थ के आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए हो तो बेस ये नंबर फाइव और सिक्स में लेकर आया हूँ देखो अब यहाँ चेक करो यहाँ के बोल रहे इज ए इज प्रिस बाय वहां अकेला प्रिस था यहाँ पे क्या लिखा है बाय लिखा है दोनों जगह तो इसका मतलब क्या होता है देखो ए इज प्रसीडेड बाय बी तो मतलब ए क्या कर रहा है ए इज बाय बी बी मतलब जो है पहले आएगा और ए बाद में आएगा ठीक है बी क्या करेगा पहले आएगा आएगा और ए बाद में ठीक है और बी इज प्रसिडेड बाय ए मतलब किसके थ्रू हो रहा है ए के थ्रू हो रहा है तो ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा यहाँ पे भी देखो ए इज प्रसिडेड बाय बी मतलब प्रोसीड कर रहा है किसके बाय किसके थ्रू हो रहा है ये बी के थ्रू हो रहा है तो बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा बी इज प्रसिडेड बाय मतलब प्रसिडेड बाय ए मतलब ए के थ्रू हो रहा है ना प्रिस तो ए पहले आएगा और बी के आएगा बाद में आएगा तो नंबर सेवन और एट ये लास्ट है ये देखो ये बता देता हूँ बिकस तो ये चेक करो ये क्या बोल रहा है नंबर सेवन एट ए इज फॉलोड बाई यहाँ बाय था यहाँ फॉलोड बाय हो गया ठीक है तो देखो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ ए इज फॉलोड बाय मतलब ए के बाद क्या आता है बी आता है ठीक है इसका मतलब ये ए के बाद क्या आता है बी आता है देखो यहां बोल रहा 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 है by B के हो रहा है किसके तो हो हो तो के आएगा आपका यहाँ बाद में आएगा तो इसको आपको समझना है तो आपको हिंदी में बोल सकते हो इज फॉलोड बाय मतलब ए के बाद बी आता है बी इज फॉलोड बाय मतलब बी के बाद ए आता है तो आपको ये सब ट्विस्टेड टर्म्स क्या होने चाहिए याद होनी चाहिए देखो इसका एग्जाम्पल जो जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स कहेंगे आपके वहाँ पे काम आएंगी ठीक है तो देखो इनमें से सिमिलर कौन कौन है देखो ये ए बी है ये भी ए बी है ये भी ए बी है, है और ये भी ए बी है तो कौन कौन सी हो गई वन फोर सिक्स और सेवन तो मैं लिख देता हूँ वन फोर सिक्स सेवन अगर इस टाइप की आपको याद करने में अगर ईजी रह जाएगा तो पहले आप इनको याद कर लो क्योंकि ये दोनों ए बी है सबका सब ए बी और बी ए वाले कौन से हैं नंबर टू थ्री और फाइव एट टू थ्री फाइव एट ये कौन से हैं आपके बी और ए वाले ऊपर वाले ए बी वाले हैं ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो नहीं याद कर सकते हो तो आई होप कि आपको ये सब क्या चीजें समझ में आई हो अब देखो कुछ आपको बताता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह करके ठीक है तो ये चेक करो अल्फाबेट सीरीज जो होती है ना नंबर वन वो रहती है हमारी कौन सी रहती है अल्फाबेट सीरीज रहती है तो उसमें टू टाइप्स रहती हैं तो पहले टाइप क्या है जहाँ पे सबके सब, सब एलिमेंट मतलब इनको हम एलिमेंट्स ही बोलेंगे ये सबके सब अलग अलग है एलिमेंट्स आर अल्फाबेट मतलब सारे के सारे क्या हैं एल्फावेट्स है, देखो क्यू आर ए सी डी एल अल्फेट्स और नंबर टू क्या रहता है आपका जहां पे एलिमेंट्स कैसे होंगे एलिमेंट्स जो होंगे ना आपके आर इन फॉर्म ऑफ मतलब वर्ड्स की फॉर्म में होंगे ठीक है वर्ड्स क्या होता है कोई एक वर्ड दिया होगा कुछ भी हो सकता है मतलब तीन का वर्ड हो सकता है या फिर चार वाला वर्ड हो सकता है कोई भी हो सकता है ठीक है तो एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे एच आई जे के एल एम ए सी डी ई जेड एक्स तो ये तीन तीन का पेयर है तो ऐसे भी हो सकता है यहाँ तीन की जगह चार का भी हो तो चार कोई और अल्फाबेट जुड़ा होगा तो एक एक वर्ड जो बन रहा है वो तीन तीन के पेयर से बन रहा है ठीक है ये दो टाइप्स रहती हैं अल्फाबेट सीरीज में नंबर टू क्या रहता है आपका नंबर सीरीज रहती है देखो तो नंबर सीरीज में क्या होता है हमारा फिर तो जो नंबर सीरीज रहती है एलिमेंट्स क्या होते हैं यहां पे एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आर न्यूमरल

कॉम्बिनेशन ऑफ alphabet एंड नंबर ठीक है क्या रहेगा ये कॉम्बिनेशन रहेगा किस किस का अल्फाबेट्स एंड रहेगा तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे जिससे आपको पता चल जाएगा जैसे ए बी सिक्स सेवन एट सी एफ जी जीरो इस तरीके से क्या है ये

एल्फाबेट प्लस नंबर प्लस सिंबल तो इन सब का क्या रहता है कॉम्बिनेशन रहता है ठीक है तो एग्जांपल लेता हूं मैं जैसे ए सी वन फाइव स्टार ये ले लिया सिक्स नाइन जेड एक्स वाई आई का ले लिया मैंने डॉलर ले लिया तो देखो इस तरीके की ये जो रहती है क्या रहती है हमारी अल्फा न्यूमरिक सिंबल सीरीज रहती है इसमें तीनों प्रेजेंट होते हैं हमारे अल्फाबेट्स भी रहेंगे नंबर्स भी रहेंगे और सिंबल्स भी रहेंगे तो यहाँ चेक कर लो एल्फाइट आ रहे हैं नंबर्स आ रहे हैं सिंबल्स भी आ रहे हैं यहाँ पे ठीक है अच्छा और सेवंथ जो रहता है वो क्या रहता है हमारा सेवंथ जो हमारा रहता है वो रहता है थ्री डिजिट लिख देता तो हूँ मैं यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर सीरीज लिख देता तो, हूँ हाँ देखो तो अभी थ्री डिजिट्स की नंबर सीरीज क्या रहती है जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मतलब जो नंबर हो गए ना थ्री थ्री डिजिट का उसमें वो होगा पैटर्न चलेगा वहां पे एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे ले लिया मैंने थ्री सेवनटी एट फाइव नाइनटी वन टू सिक्स जो यहाँ पे तीन तीन डिजिट का सीरीज चल रही है तो ये थ्री डिजिट नंबर सीरीज की रहती है वो ये रहती है तो एक बढ़िया सी चीज मुझे आपको आपके साथ शेयर करनी है और वो क्या चीज है देखो चीज ये आपने पढ़ा ना पीछे प्रीसीडिड प्रीसीड्स पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था फॉलोज पढ़ा था ठीक है तो प्रिस पीछे वाला होता है आगे वाला होता है अब देखो एक और है देखो प्र फॉलोड रहता है ना एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू ई डी एक फॉलोड रहता है ना और उसके साथ एक रहता है सक्सीडिड सक्सीडिड अब देखो फॉलोड और सक्सीडिड दोनों की आई ये सेम है अगर आपको कहीं एग्जाम ऐसा लिखा होगा ना कि बी इज सक्सीडिड बाय ऐसा करके कुछ लिखा होगा ठीक है उसका सिक्स क्या होगा मतलब, हो मतलब ये, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है है? पहले आएगा, ठीक ए बाद में आएगा सिक्स ना B, succeeded by A, मतलब बी पहले आएगा followed और सिक्स दोनों सेम ही वर्ड है ठीक है प्रीसीडिड होता है पीछे वाला फॉलो होता है बट इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉलोर्ड और सिक्स ये दोनों एक ही वर्ड है तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है क्या ये दोनों सेम सेम वर्ड हैं तो देखो सब इम्पॉर्टेंट एग्जांपल टू कीप इन माइंड तो वो एग्जाम्पल्स कौन से हैं वो मैं आपको लेकर आता हूँ जैसे देखो ये थ्री डिजिट का एक नंबर है थ्री डिजिट नंबर सीरीज लेता हूँ मैं ठीक है मैंने थ्री डिजिट की एक नंबर सीरीज ली है तो सीरीज क्या है देखो फाइव थर्टी फोर और फाइव एक मैंने सीरीज ली है ठीक है अब देखो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है देखो पहला जैसे ये वाला रख लो आप ये जो पहला डिजिट है ना ये वाला ये जो पहली वाली टर्म बोल सकते हैं हम इसे तो नंबर क्या है मेरे पास हेयर नंबर, नंबर नंबर इस नंबर के मेरे पास फाइव थर्टी फोर है ठीक है फाइव थर्टी फोर है इसे मैं क्या बोल सकता हूँ कंप्लीट कंप्लीट क्या है ये टर्म ठीक है कंप्लीट टर्म है ये फाइव थर्टी फोर जो है कंप्लीट टर्म है ठीक है अब डिजिट्स क्या है इसमें इस, इस नंबर के अंदर मेरी कौन सी डिजिट्स प्रेजेंट तो देखो कौन कौन सी है मेरे पास फाइव है थ्री है फोर है तो अगर आपसे कोई पूछोगा क्वेश्चन में कि नंबर जो है नंबर नंबर के अंदर जो डिजिट होती है तो उसे क्या बोलते हैं तो नंबर के अंदर जो डिजिट्स रहती हैं वो ये रहती हैं फाइव थ्री फोर कंप्लीट नंबर हमारा ये रहता है ठीक है मान लो एक सिक्स एटी सिक्स है तो अगर कोई मुझे बोले इसके अंदर बताओ डिजिट्स कितनी है तो टोटल तीन डिजिट्स है यहाँ पे कौन कौन सी सिक्स है एट है और सिक्स ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए तो इसे क्या हम बोलेंगे सिंगल सिंगल न्यूमरल बोल देंगे ठीक है सिंगल न्यूमरल मतलब सिंगल हमने एक एक किया ना फाइव थ्री फोर तो ये कंप्लीट टर्म होती है और ये सिंगल न्यूमरल हो गया हमारा ठीक है तो और आगे क्या बताना है ए पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है ना बी क्या बोल रहा है देखो तो वैस नंबर वन ए हमारा हो गया ना पता नंबर जैसे मुझे ये दिया है एक सीरीज दी है ठीक है हेयर द नंबर इज फाइव थर्टी फोर लिया मैंने इसको हम कंप्लीट टर्म बोल सकते हैं डिजिट्स इसमें इस, इस नंबर में कौन से डिजिट कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं थ्री डिजिट्स प्रेजेंट हैं कौन कौन सी फाइव थ्री और फोर ठीक है बी बोल रहा है मुझे वेन नंबर्स आर अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जब इन नंबर्स को नम, हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देन ओनली नंबर्स आर अरेंज मतलब नंबर नंबर क्या होता है एक पूरा नंबर इसे बोलते हैं इस कंप्लीट टर्म को हम क्या बोलेंगे एक नंबर बोलेंगे तो यहाँ बात के बोल रहा है व्हेन नंबर्स आर जब हम नंबर्स को अरेंज करेंगे किसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देन ओनली यहाँ लिखे ना देन ओनली नंबर्स आर अरेंज ये जो नंबर्स है ना हमारी इन्हीं को हमने अरेंज करना है एंड उनके बीच में जो तो डिजिट्स है ना उन्हें अरेंज नहीं करना है वो एज इट इज रहेंगी बस हमने पूरे के पूरे नंबर को अरेंज करना है ठीक है अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दिया है फाइव थर्टी फोर दी है सिक्स एटी सिक्स लिखा है वन नाइनटी टू लिखा है और फाइव नाइन्टी फोर और मुझे अगर बोला है कि इस वाली ये जो वो दी है मुझे एक सीरीज दी है इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है बदलना है असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या रहता है छोटे से बड़ा रहता है तो सबसे इसमें छोटा कौन सा है वन है तो वन मेरा पहले आ जाएगा नंबर टू फिर कौन सा आएगा फाइव थर्टी आएगा फाइव थर्टी फोर अगला आएगा फाइव नाइन्टी फोर और लास्ट में आएगा सिक्स एटी सिक्स मुझे क्या बोले? Ascending order बोले. लेकिन क्या बोला 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 असेंडिंग ऑर्डर है है लेकिन नंबर्स को एक पूरे पूरे नंबर को बोला है ना कि नंबर के अंदर जो डिजिट हैं डिजिट्स को चेंज करने को नहीं बोला है डिजिट्स एज इट इज वैसे ही रहेंगे बस मुझे नंबर को बोला है असेंडिंग ऑर्डर ये हो गया और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहता है डिसेंडिंग तो ऑर्डर जो रहता है वो आपका रहेगा बड़े से छोटा तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा पहले आएगा, आएगा आपका 686 आएगा उससे छोटा आएगा आपका फाइव नाइन फोर आएगा फिर फाइव थर्टी फोर आएगा फिर आएगा, आएगा आपका वन नाइन टू ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनते हैं लेकिन हमेशा याद रखना है चेंज नहीं होंगी जहां पर बोला होगा ना आपको नंबर्स नंबर्स की बात की होगी तो पूरा का पूरा नंबर की बात हो रही है यहाँ पे ना कि इनके बीच में जो डिजिट देखो नंबर के बोलते हैं नंबर एक

वैन डिजिट्स अब पहले हमने नंबर्स की बात कर रहे थे अब हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं वैन डिजिट्स आर ऑपरेटेड इन असेंडिंग डिसेंडिंग रिवर्स ऑर्डर ये तीन ऑर्डर हो गए दैन ओनली डिजिट्स आर अरेंजड एंड नंबर रिमेन्न सेम मतलब डिजिट्स को हम चेंज करेंगे नंबर वैसे रहेंगे तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे लिए मैंने सेवन थर्टी एट वन नाइनटी टू टू फिफ्टी फोर एंड थ्री एटी सिक्स ठीक है एक सीरीज़ लिए अब देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा असेंडिंग असेंडिंग में बोल क्या रहा है देखो ये बोल रहा है जब हमें डिजिट्स को सिर्फ डिजिट्स को चेंज करना है किसमें असेंडिंग डिसेंडिंग रिवर्स ऑर्डर में तो बस सिर्फ डिजिट्स ही चेंज होंगी इसके अंदर की ये एक नंबर दिया है कंप्लीट नंबर क्या है सेवन थर्टी एट इसके अंदर जो डिजिट्स है वही चेंज होंगी नंबर ही रहेगा तो मुझे अब डिजिट्स को चेंज करना है तो मतलब पहले यही नंबर आएगा उसके बाद दूसरे नंबर पर ये मैं लिख देता हूँ नंबर वन पे यही रहेगा नंबर टू पे यही आएगा नंबर थ्री पे यही आएगा और नंबर फोर पे यही आएगा बस मुझे डिजिट्स को अरेंज करना है इसके अंदर जो डिजिट्स हैं तो नंबर पहला वाला जो है ये क्या है सेवन थर्टी एट तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे चेंज करना होगा तो इसके अंदर पहली डिजिट कौन सी आएगी नंबर थ्री आएगी फिर आएगी सेवन आएगी फिर एट आएगी तो ये मेरा क्या बन गया नंबर वन ठीक है इसी नंबर को मैंने चेंज किया है बस इसकी डिजिट्स को चेंज कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में नंबर टू के है, वन नाइनटी टू तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा पहले वन आएगा फिर टू आएगा फिर नाइन आएगा तो ये मेरा नंबर बन गया ठीक है आगे बोल रहा है टू फिफ्टी फोर तो असेंडिंग ऑर्डर में पहला डिजिट टू आएगा दूसरा डिजिट फोर आएगा तीसरा फाइव आएगा तो ये क्या हो गया बन गया फोर्थ क्या बोल रहे थ्री एटी सिक्स तो पहले थ्री आएगा फिर सिक्स आएगा एट आएगा तो ये बन गया मेरा फोर्थ तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर की मेरी एक सीरीज बन गई मतलब नंबर्स की नंबर्स के अंदर जो डिजिट प्रेजेंट है उन्हें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया है ठीक है अब आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग में क्या रहेगा देखो नंबर रहे वही रहेगा वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं ठीक है अब देखो हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किए किसे नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स हमारी प्रेजेंट थी उसे हमने चेंज किया जैसे हमारा सी पॉइंट है वैन डिजिट डिजिट्स को हमने चेंज किया अब असेंडिंग ऑर्डर में तो कर लिया अब डिसेंडिंग में करना है तो देखो एज इट इज़ यहीं से कर दूंगा मैं क्या होगा पहले आएगी आपकी एट फिर आएगी सेवन फिर आएगा क्या आएगा थ्री आएगा ठीक है नंबर वन नंबर टू है फिर यहाँ पर सबसे बड़ी वाली डिजिट कौन सी है नाइन है फिर टू है फिर वन आएगा ठीक है यहाँ पर कौन सी है फाइव फोर टू फाइव फोर टू ये आ गया नंबर फोर्थ में आएगा एट सिक्स थ्री ये यही, तो है, यही है ठीक है थीके? अब मुझे बोला है इसको रिवर्स ऑर्डर में चेंज करना है तो मुझे डिजिट्स को क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में चेंज करना है तो पहला क्या बोल रहा है सेवन थर्टी एट तो रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा पीछे चल जाऊंगा मैं कैसे देखो ये ना सेवन थर्टी एट पहला है ठीक है तो इसको मैं चेंज करूंगा तो रिवर्स ऑर्डर में चेंज होकर क्या बनेगा ये, ये बनेगा एट थ्री सेवन मैंने डिजिट्स को किया है ठीक है रिवर्स ऑर्डर किया है लेकिन डिजिट्स को किया है ये था इसका फॉरवर्ड का ठीक है फॉरवर्ड का था मैं कहा गया बैकवर्ड में गया अभी जो ये बनकर आया ये मैं बैकवर्ड एट से लेकर सेवन तक गया उस तरह से इसको वन नाइनटी टू का जो रिवर्स ऑर्डर वो क्या रहेगा टू नाइनटी वन रहेगा क्योंकि पहले टू आएगा फिर नाइन आएगा फिर रिवर्स ऑर्डर यही रहता है ठीक है नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री क्या है टू फिफ्टी फोर तो इसका क्या रहेगा फोर फिफ्टी टू रहेगा रिवर्स ऑर्डर और आगे क्या बोल रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या रहेगा 683. मतलब मुझे पीछे को जाना है है ठीक ये मेरा बन गया देखो असेंडिंग डिसेंडिंग रिवर्स लेकिन हो क्या रहा है डिजिट्स डिजिट्स चेंज हो रही है लेकिन नंबर्स मेरे सिक्वेंस में ही चले हैं नंबर्स के अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं चल रहा है सिर्फ डिजिट्स के अंदर चल रहा है ठीक है और डिजिट्स के अंदर ही रिवर्स ऑर्डर भी चल रहा है पीछे को तो बिकॉज नंबर डी क्या बोल रहा है मुझे लास्ट है ये देखो ये बोल रहा है व्हेन डिजिट्स इंटरचेंज देयर पोजीशन जो डिजिट्स है ना अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करती है देन नंबर्स रिमेन सेम ऑन देयर पोजीशन देखो एक मुझे सीरीज दी है सीरीज दी है और मुझे वहाँ पे सीरीज के नीचे एक क्वेश्चन ये बोला है कि सेकेंड एंड थर्ड डिजिट जो है पहले उसको आपको क्या करना है इंटरचेंज करना है उनकी पोजिशन को तो पहला नंबर क्या है टू है ये टू मैंने यहाँ लिख दिया अब देखो 290 बन है एट फिफ्टी टू यहाँ लिख दिया मैंने थ्री एटी सिक्स यहाँ लिख दिया वन नाइनटी एट यहाँ लिख दिया लेकिन एग्जाम में आपको ये सब चीजें लिखनी नहीं है आपको उसी ऊपर वाले नंबर से अपने माइंड में ही उसे चेंज कर देना है कैसे देखो सेकेंड एंड थर्ड को इंटरचेंज करना है मतलब फर्स्ट वाला एज इट इज ही रहेगा वन और नाइन को करना है ना नाइन और वन को तो वन पहले आ जाएगा नाइन ही आ जाएगा इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है कि नाइन जो है वो वन के प्लेस में चला जाएगा और वन जो है वो नाइन वाले प्लेस पे आ जाएगा ठीक है इसका मतलब ये होता है इंटरचेंज करने का मतलब तो देखो पहले वाले में क्या हो जाएगा टू एज इट इज रहेगा वन पहले आ जाएगा नाइन बाद में आ जाएगा एट फिफ्टी टू में एट पहले रहेगा फिर टू आ जाएगा फिर फाइव आ जाएगा थ्री एज इट इज रहेगा फिर सिक्स आ जाएगा फिर एट आएगा वन इज रहेगा फिर एट आएगा फिर नाइन आएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा जो न्यू ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा आपका ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए ये सब चीजें याद होनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है वो भी मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ इम्पॉर्टेंट टिप्स बोल सकते हैं देखो

ये मेरे को एक सीरीज दी हुई है ठीक है तो यहीं से मेरा आंसर निकलेगा तो लेफ्ट से सिक्स बोला है और राइट से सेवन बोला है तो आपका आंसर जो आएगा वो आंसर क्या रहेगा देखो कभी भी लेफ्ट और राइट का बोला ना आपको देखो एक लेफ्ट है और एक राइट है ठीक है ये बोले ना आपको दोनों चीजें क्या है डिफरेंट है एक साइड मुझे लेफ्ट बोलिए और एक साइड राइट बोलिए ठीक है थीके? जब भी लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग बोला तो आपका क्या होता है हमेशा क्या होता है प्लस होगा मतलब सिक्स और सेवन को क्या करोगे आप प्लस करोगे प्लस तो होगा लेकिन आपका जो आंसर आपको फाइंड आउट करना है वो राइट साइड से करना है मतलब लास्ट में मुझे राइट बोला है ना यहाँ पे देखो विच एलमेट इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द एलमेट विच इज सेवन फ्रॉम द राइट तो चेक हमेशा मुझे उस वहीं से करना है जो लास्ट वाली वो बोला होगा मुझे लास्ट में मुझे यहाँ के बोला है राइट हैंड से बोला है तो मुझे राइट से ही चेक करना है ये मेरा राइट हुआ तो राइट से मैं चेक करूंगा लेकिन मुझे यहां बोला क्या था देखो एक साइड लेफ्ट बोला है और राइट भी बोला है मुझे तो पहले मैंने लेफ्ट से सिक्स लिख लिया और राइट से क्या लिख लिया सेवन लिख लिया मुझे इन दोनों को क्या करना है प्लस कब करना है अगर लेफ्ट और राइट दिया होगा देखो लेफ्ट और राइट दिया होगा या राइट और लेफ्ट दिया होगा तब क्या होगा प्लस होगा आपका ठीक है लेफ्ट और राइट दिया होगा हो चाहे राइट और लेफ्ट दिया होगा हो तो उसका होगा क्या प्लस लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा वो राइट साइड से ही हमें चेक करना है तो राइट से क्या करना है और सेवन कितने हो गए और एक थर्टीन तो राइट साइड से थर्टीन को चेक करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा सेवन ये आपका आंसर आएगा तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इन इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ देखो लेफ्ट प्लस राइट तो क्या होता है आपका प्लस होगा लेकिन राइट साइड से चेक करना है ठीक है नंबर वन ये हो गया नंबर टू क्या देखो राइट प्लस लेफ्ट है तो का तब भी प्लस होगा लेकिन जो आंसर दिखेगा वो राइट लेफ्ट साइड से दिखेगा मतलब लेफ्ट से मतलब मैं यहाँ से चेक करूंगा फिर ए वाली बी वाली साइड से ठीक है राइट वाली साइड से मैं राइट right से चेक करूंगा लेफ्ट वाली में मैं लेफ्ट से चेक करूँगा अब बोल रहा है लेफ्ट प्लस लेफ्ट अगर दोनों सेम है तो क्या होगा आपका माइनस होगा और फिर से आपको चेक क्या करना है लेफ्ट वाली साइड से ही करना है हमेशा चेक वहीं से करना है जहां पर आपको एंड में जो चीज दी होती है स्टेटमेंट के एंड में हमें हमेशा राइट right टी होगा या लेफ्टी होगा कुछ भी दिया होगा तो आपको उसी जगह से चेक करना है लेकिन प्रॉब्लम पता क्या रहती है अगर लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट दियोगा होगा तब तो प्लस ही होगा मतलब ये जो सिक्स और सेवन है इसको आप प्लस करोगे लेकिन अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा सपोज करो यहाँ ये भी लिख देता हूँ राइट और राइट का भी क्या होता है माइनस होता है और राइट right साइड से होगा अब देखो सपोज करो लेफ्ट लेफ्ट दिए आपको लेफ्ट से एट है प्लस लेफ्ट से टेन है तो आपका आंसर जो हो आएगा लेफ्ट से ही लेकिन पहले आपको इन्हें माइनस करना होगा तो टेन में से आठ के कितने हुए टो तो, तो लेफ्ट से आपको टू चेक करना होगा तो वन ये लेफ्ट क्या होगा आपका ये वाला लेफ्ट हुआ ए और बी तो आपका आंसर ये रहेगा अगर सपोज करो आपको बोला होगा राइट से थ्री प्लस राइट से सेवन तो आपका आंसर क्या रहेगा हमें करना चेक राइट साइड से है लेकिन देखो माइनस हो गए दोनों सेम है ना राइट और राइट तो राइट और राइट के होते हैं माइनस होते हैं उस तरह से लेफ्ट और लेफ्ट भी माइनस होंगे तो सात में से तीन गए कितने हो गए चार तो राइट से मुझे फोर्थ चेक करना है तो राइट से फोर्थ क्या होगा वन टू थ्री फोर मतलब जेड ठीक है तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना, है है, करना होता है सॉल्व करना होता है आई होप ये हमेशा याद रखना है, ये जो टेबल है ना ये मैंने दी है ये हमेशा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है क्या है ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये आपको पता होगा तभी आप ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे लेफ्ट और राइट मतलब प्लस होगा और राइट right साइड से देखो लेफ्ट और राइट मतलब आंसर मेरा राइट right साइड से आएगा लेकिन होगा क्या इन दोन के right left, दोनों के लग ऊपर जो नंबर दिए होंगे वो प्लस होंगे राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग हैं एक साइड राइट बोला है एक साइड लेफ्ट बोला है जो लेफ्ट वाला जो सबसे एंड में बोला है आंसर वहीं से चेक करना है लेकिन होगा क्या दोनों प्लस होंगे अब जहां पे दोनों जगह लेफ्ट दिया है वहां होगा माइनस उनके ऊपर जो डिजिट्स दिए होंगे उनको हम माइनस करेंगे और चेक कहाँ से करेंगे लेफ्ट वाली साइड से और राइट और राइट उनके ऊपर दोनों जो डिजिट्स हैं वो भी माइनस होंगे लेकिन चेक करना से करना है राइट साइड से करना है ठीक है तो हमेशा चेक जो करना है आंसर वो इसी वाली साइड से करना है जो आपको सबसे एंड में दिया होगा जैसे क्वेश्चन मुझे बोला था ना नाच एलिमेंट इज सिक्स टू द लेफ्ट तो पहले मुझे लेफ्ट से सिक्स बोला हुआ था ठीक है और लास्ट पे क्या बोला था सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट तो राइट सेवंथ क्या बोला था राइट right साइड से तो so, मुझे आंसर जो चेक करना है वो राइट right साइड से ही चेक करना है जो मेरा सबसे एंड में दिया होगा और ये नंबर्स जो होंगे ये क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे अगर लेफ्ट और राइट दिया होगा तो प्लस होगा और राइट और लेफ्ट दिया होगा तब भी प्लस होगा अगर लेफ्ट लेफ्ट दे दिया होगा तो माइनस होगा राइट राइट दे दिया होगा तब भी माइनस होगा आई होप आपको ये समझ आया होगा देखो आप ध्यान से पढ़ना आपको जरूर समझ आएगी ये चीजें ओके अब जैसे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपको और बड़ी तरीके से समझ आ जाएगा ठीक है अब गस ये क्वेश्चन चेक करो इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा देखो क्वेश्चन के बोल रहा है एक सीरीज दी है मुझे ठीक है इसमें सिंबल्स भी हैं नंबर्स भी दिए हैं आपके और अल्फाबेट भी दिए तो अल्फाउन में एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो है पूरा ठीक है पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है आपका विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट मतलब राइट right से थर्ड बोला है और फोर्थ फ्रॉम द राइट राइट से ही फोर्थ बोला है तो क्या हो जाएगा इसको तो आंसर आपका राइट साइड से चेक करना है लेकिन थ्री में से फोर गए तो वन तो राइट से पहला क्या होगा तो आपका आंसर क्या आएगा इसका कॉमा ये जो ये लगा है ये कॉमा लगा हुआ है ठीक है क्या लगा है ये कॉमा तो आपका आंसर ये होगा कॉमा नंबर टू क्या बोल रहा है तो ये क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है कैरेक्टर इज सेकंड कैरेक्टर कैरेक्टर मतलब इन्हीं की बात हो रही है इज सेकंड टू द लेफ्ट तो लेफ्ट से सेकंड सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट ठीक है और लेफ्ट से कितना है सेवंथ है तो ये आपका हो जाएगा दोनों दोनों लेफ्ट है तो होगा तो मेरा माइनस तो सात में से दो गए कितने हो गए पांच हो गए तो लेफ्ट साइड से फिफ्थ वाला चेक करना है वन टू थ्री फोर फाइव तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डॉलर ठीक है बस ये चेक करो ये बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है विच एलिमेंट इज सेकंड टू द लेफ्ट तो लेफ्ट से सेकंड बोल रहा है प्लस क्या बोल रहा है सिक्स फ्रॉम राइट तो राइट से सिक्स बोल रहा है अब देखो दोनों ये डिफरेंट आ गए तो प्लस होगा आपका छः प्लस दो कितना हो गया आठ हो गया लेकिन चेक कहाँ से करना है जो सबसे एंड में दिए मैंने राइट साइड से आठ तो राइट से आठ करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आपका आंसर क्या रहेगा हैश आपका आंसर रहेगा नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है तो चेक करके बोल रहे हैं एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट राइट तो right से फोर्थ होगा ऑफ द द फ्रॉम लेफ्ट होगा लेफ्ट से होगा तो देखो छ चार कितना होता है दस होता है लेफ्ट साइड से लेकिन मुझे चेक करना है कौन सा टेन तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका एट द रेट ये आपका आंसर रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बताना चाह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता क्या होना चाहिए देखो आपको पता होना चाहिए ये मतलब लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है आपका प्लस होता है लेकिन राइट right साइड से चेक करना है ठीक है राइट प्लस लेफ्ट बोला है तो क्या होगा प्लस होगा लेकिन लेफ्ट साइड से चेक होगा राइट प्लस राइट मतलब माइनस होगा राइट right साइड से चेक होगा और लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा आपका ये भी माइनस होगा और लेफ्ट साइड से चेक होगा तो ये चार चीजें के आपको माइंड में हमेशा रहनी चाहिए जब भी आपको अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज को क्या करना है सॉल्व करना है और जो मैंने फॉलोड बाय सक्सीड फॉलोड और सक्सीड मतलब होता है ठीक है फॉलोड बाय बाय या सक्सीडेड तो ये सब सेम ही रहते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें ठीक है ये वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए तो आज का टॉपिक जो है मैं क्या करता हूँ यहीं पर कम्प्लीट करता हूँ कल जो रहेगा कल के रहेगा हमारा कल हमारा क्वेश्चन का वो रहेगा कल हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और कल ही हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा अल्फनमिक सीरीज का हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया आपको किसी भी कहीं ऐसा लगे कि क्वेश्चन बाहर से आया है हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कल पढ़ाऊंगा आपको करना क्या है अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा अल्फा अल्फानेमिक्स का ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ये समझ में आता है आपको करना क्या है आपको वीडियो को क्या करना है लाइक करना है और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है कब करना है ये दोनों चीजें तब करनी है जब आप क्या करोगे कुछ गेन करोगे और गेन तभी हम करते हैं जब हम सेटिंग पावर देंगे वन आवर या वन एंड हाफ आवर इतना पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा आप खुद आपको क्या लगेगा अच्छा लगेगा कि नहीं मैंने कुछ गेन किया है तो कहीं भी अगर आप मेरा वीडियो देखोगे और कुछ गेन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखा करो कि आपको कोई डाउट है आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक ये वीडियो मैं फिर से भी अपलोड कर सकता हूँ बढ़िया तरीके से समझा के अपलोड कर दूँगा ठीक है और जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर आप कोई डाउट होगा तो वहाँ पूछ सकते हो कि ये हमारा डाउट है आप प्लीज़ क्लियर कर दो तो मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा लेकिन वही डाउट पूछना जो हमने अभी तक पढ़ रखा है ठीक है कोई अलग से आप डाउट मत पूछ लेना क्योंकि अब तक मैं सीरियल सीरीज वाइज मतलब चल रहा हूँ सीरियल वाइज चल रहा हूँ पहला हमारा टॉपिक हुआ है सिलोजिज्म का दूसरा इनिक्वालिटी तीसरा ब्लड रिलेशन फोर्थ है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चल रहा है तो ऐसे ऐसे हम पूरा का पूरा रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे कवर करेंगे और साथ साथ मैं वो भी कर रहा हूँ एस एस सीरीयल का जो रीजनिंग रहता है वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर आप लोग उसकी भी प्रेपरेशन कर रहे हो तो वो भी मेरा देख सकते हो इनोलॉजी चैप्टर जो है हमारा वो क्या हुआ है कंप्लीट होने ही वाला है मतलब हो चुका हुआ है कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहे हैं सॉल्व करने के लिए बस वही है तो बाय टेक केयर बढ़िया तरीके से पढ़ना और चैनल को क्या देना सब्सक्राइब करना कर। तभी करना जब कुछ गेन करोगे ठीक है मैं हमेशा बोलता हूँ गेन करोगे तभी सब्सक्राइब करना है बाय